बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करें, आमीन। तो जी नाज़रीन, आपको ये जो ड्राई केक नज़र आ रहा है ना, जी यही वाला, ये खूबसूरत सा केक अब आप ये घर पर बना सकते हैं जी। और ये वही बेकरीज़ का केक है, तो चलें इसकी रेसिपी आपको मेरे भाई सिखाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। चलें जी शुरू करते हैं आज के केक की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको ड्राई केक बनाने की तरीका सिखा रहे हैं। ड्राई केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बटर और शुगर। बटर ये हम नस्ले का यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं, अनसाल्टेड या साल्टेड बटर, कोई भी जो है ना बटर आप ड्राई केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और शुगर हम ये लेंगे फाइन शुगर, और फाइन शुगर का ये है कि जो है ना आपके शुगर और मैदा बटर जो है ना जल्दी जो है ना वो हल हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 10 अंडे, और मैदा हम तकरीबन 500 ग्राम मैदा, और बेकिंग पाउडर 20 ग्राम, और वनीला एसेंस, और एक चुटकी जो है ना सॉल्ट हमें चाहिए होगा। तो हम इसकी प्रोसेस करते हैं, इसको जो है ना 500 ग्राम बटर को तोलते हैं, और 500 ग्राम शुगर, 10 अंडे, 500 ग्राम मैदा, 20 ग्राम बेकिंग पाउडर, और एक टीस्पून वनीला एसेंस, और एक चुटकी नमक। तो यहाँ पे मैंने रेसिपी भी लिखा हुआ है। शुगर 500 ग्राम, बटर 500 ग्राम, अंडे 10, फ्लावर 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 20, और वनीला एसेंस। सो नाज़रीन, हमने इस मशीन में बटर और शुगर को डाल के इसको सही तरह बीट कर रहे हैं। तो इसको अच्छा खासा बीट करेंगे। ये आप देखें, इसको तकरीबन जो है ना ये लाइक जो है ना व्हिप क्रीम जैसा हो जाते हैं, वाइट वाइट सा। तो इसमें हम डालेंगे जो तोड़ के रखे हुए थे हमने 10 अंडे, तो ये हम 1 by 1 डालेंगे, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके डालेंगे तो ये शुगर जो है ना इसके अंदर जो है ना जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करके हम जो है ना ये 10 अंडे हमने इसमें डालने हैं, ठीक है। 10 अंडे डालने के बाद इसके बाद हम मैदा डालेंगे, 500 ग्राम मैदा, 20 ग्राम बेकिंग पाउडर, और ये वनीला एसेंस और सॉल्ट। अच्छा जी, ये हमारा एग्स 1 by 1 हम डाल रहे थे, और ये हम जो है ना इसमें ड्राई नट्स डालेंगे। अच्छा, ये हम अब मैदा डालने लगे हैं। तकरीबन हमारे ये मिक्सचर डन हो चुका है। ये मैदा हल्का हल्का करके जो है ना हमने डालना है। और ये हम इसमें थोड़ा सा किशमिश जो है ना, तो तकरीबन 50 ग्राम किशमिश हम इसमें डालेंगे, ठीक है जी। ये हमारा ड्राई केक, ड्राई फ्रूट केक रेडी हो गया। ये हमने आलमंड को स्लाइस करके इसके मोल्ड के अंदर डाला हुआ, नीचे बटर पेपर लगाया हुआ, उसके ऊपर आलमंड हमने डाला हुआ इसी तरह। तो जब बनेंगे हम इंशाल्लाह आपको पूरा कम्प्लीटली जो है ना सारी चीज़ें बताएँगे। वनीला एसेंस हम डाल रहे हैं जी, एक टीस्पून वनीला एसेंस का मैंने आपको बताया था, ये एंड पे हमने डालना है। और ये हम ऑयल को तकरीबन जो है ना 20 ml इसमें ऑयल डालेंगे, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट रहे स्पंज। अब इसको हम ये जो प्लास्टिक की जो स्पैचुला है इससे हम थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है जी। मैदा और सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है, और ये हमारा मिक्सचर जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हमने रेजेंस डाला हुआ है, अब हम इसमें ये डाल देंगे, ठीक है जी। अब हम इसको बेकिंग के लिए लेके जाएंगे ओवन में।
ये जी अब हम इसको ट्रे में रखेंगे। ठीक है जी, चलो जी। ये हमारा 140 की टेम्परेचर है। ठीक है, और ये टाइम जो है ना वैसे तो 53 हो गया, लेकिन हम तकरीबन 30 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है जी, 30 मिनट हमारा केक जो है ना रेडी हो गया, अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर हल्की सी हम शुगर सिर्फ हल्की सी शुगर सिरप लगाएंगे। गरम गरम शुगर सिरप लगाएगा, वो नीचे तक जज़ब करेगा। ये जी हमारा केक जाना रेडी हो गया। चलिए जी, ये हमारा ड्राई केक रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर हम हल्का सा जेल लगाएंगे। ये हमारा कैरमल जेल है, ये वैसे इधर चॉकलेट ग्लेस लिखा हो लेकिन है ये कैरामल जेल, कैरामल ग्लेस।